कुछ नहीं तोश, कुछ नहीं तोश का नाम कही। आज एक ही दिन ऑफ है, फिर भी वो मेरे लिए टाइम निकाली मुझे घुमाने के लिए, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। आई थिंक दिस इज द मोस्ट फेमस प्लेस इन मॉस्को। I say it's your summer and I'm wearing jacket. What is this summer? So, I think this is the prettiest gift I would take. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशीष, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूँ अभी रशिया के सबसे बड़े शहर मॉस्को में और आज है दूसरा दिन मेरा मॉस्को में। कल सारा दिन बारिश हो रहा था तो मैं बाहर निकला नहीं और बहुत ही लेजी फील कर रहा था, तो आज मैं बाहर निकला हूँ और किसी स्पेशल इंसान से मिलने जा रहा हूँ। तो अभी मेरे को मेट्रो लेके जाना है, दो मेट्रो स्टेशन की एक जगह जाना है, उस जगह का नाम मुझे पता नहीं है, अभी देख के मैं बता दूंगा आपको। तो ये अभी मेरे होस्ट का लोकेलिटी है, अभी मैं यहाँ से जस्ट अभी बाहर निकला हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और आज का मौसम कल से थोड़ा अच्छा है, बारिश नहीं हुआ अभी तक, उम्मीद करता हूँ कि बारिश ना हो। और ठंडा बहुत है, आप देख सकते हो कि मैं जैकेट पहन लिया हूँ, अभी टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है। तो अभी जो पहला चीज़ है वो मेरे को करना है, मेट्रो कार्ड बनाना है यहाँ पे। तो 50 रुबल लगता है मेट्रो कार्ड के लिए, और अगर आपको 50 रुबल वापस चाहिए तो आप वापस मेट्रो कार्ड उनको दे सकते हो और 50 रुबल ले सकते हो, मतलब वो डिपॉजिट के तौर पे रखते हैं। ट्रॉप का या टॉइंग का बोलते हैं कुछ, तो कार्ड का नाम है। तो अभी जाके पता करते हैं कौन सा कार्ड है, क्योंकि मैं पिछले टाइम जब आया था अभी स्टेशन से तो मैं वो कार्ड लिया नहीं था, कि मैं जस्ट डायरेक्टली पे करके आ गया था। तो वो कार्ड लेने से थोड़ा सस्ता पड़ता है, 7 से 10 रुबल तक, तो वो कार्ड मेरे को लेना है। और वो कार्ड जो है आप मेट्रो, ट्रैम, बस कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो आगे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे ये मेरा रूट है। तो योगो सपादनिया से मेरे को जाना है लुबियांका, फिर वहाँ से पर्पल मेट्रो लेके मेरे को जाना है कित्री कोरेत तक। ट्रॉइंग का कार्ड मिल गया मेरे को, जिसमें 80 रुपये डिपॉजिट किया है, तो ये है ट्रॉइंग का कार्ड और मैंने अपने रशियन कार्ड से पे किया। मैं पहुंच गया हूँ कृति गोरात बोल के मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। मैं जस्ट अभी निकला ही हूँ और एंट्रेंस 2 से तो मैं अपनी नई दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मॉस्को का जो सबवे है, मेट्रो सिस्टम है, वो दुनिया का सबसे डीपेस्ट और सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम है, जो आपको आने वाले मैं ब्लॉग्स में दिखाने वाला हूँ। और क्यों इतना डीप है और क्या है इसका खासियत, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ, तो आई होप कि आ जाए वो, मैंने मैसेज कर दिया है। I'm happy that it's not raining. Yeah. I mean, I was like, you know, fingers crossed that maybe it should not rain, and then now it's good. Yeah, well, I'm prepared. Ah, okay. I had my umbrella, but I didn't get it. Yeah. I'm trusting the gods. Yeah. By the way, अगर आपको नहीं पता हो, तो मेरी नई दोस्त Lydia. I still remember your name. So Lydia. Yeah, I'm very bad with names, you know. So. लीडिया मुझे मिली थी जब मैं कजान से मॉस्को आ रहा था ट्रेन में। उस समय का लुक और अभी का लुक में कितना फर्क है, यू हैव टोटली चेंज, यू नो, लाइक प्रोफेशनल टू अ वेरी, यू नो, अ कूल सिटी गर्ल नाउ। ओके, लेट्स गो। सो विच पार्ट ऑफ द सिटी वी आर एट राइट नाउ? यस, सो वी आर इन द सिटी सेंटर। ओके, सो दैट्स द सिटी सेंटर एंड वी आर इन द लाइक द ओल्ड पार्ट एंड वी कैन सी दिस बिग बिल्डिंग अंडर देयर। Like a really cool home that was built in the Soviet times, and like we're gonna pass on the street and see a bit of Kremlin, and then cross a bridge and look at the river. Okay, awesome. Sounds like a plan. Let's go. पहले तो आप इस जगह का बिल्डिंग्स देख लो। ये एक बिल्डिंग है जो थोड़ा बहुत पिंक दिख रहा है, उधर आगे ग्रीन में है, हरा कलर का है, और ये कुछ इस तरह का रोड है। तो हम लोग जा रहे हैं इस तरफ क्रेमलिन की तरफ, तो क्रेमलिन जस्ट वहाँ से शुरू हो रहा है, जो मुझे लीडिया ने बताई। और आई एम स्टिल हैप्पी एंड थैंकफुल दैट यू नो यू मेड टाइम, ओनली वन डे यू हैव ऑफ,
और अब लीडिया का बस आज एक ही दिन ऑफ है, फिर भी वो मेरे लिए टाइम निकाली मुझे घुमाने के लिए, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल। इट्स गम, ओके आई हैव हर्ड अबाउट इट। तो ये जगह जो है ना, मतलब मत पूछो यार क्या ज़बरदस्त है। बिल्डिंग्स देखो पहले, बहुत सुंदर है। एंड बाय द वे लीडिया जो है ये नॉर्दर्न रशिया से है, यूरोस्लाव इज़ द प्ले, यूरोस्लाव से है और यहाँ पे स्टूडेंट है, पढ़ाई करती है, हॉस्टल में रहती है और काफ़ी इंस्पायरिंग है। और दिस इज़ द क्रेमलिन, ओके तो ये जो दिख रहा है वॉल, ये क्रेमलिन वॉल है, उसका एंट्री गेट है। आई थिंक ये मैं अभी शायद नहीं जाऊँगा यहाँ पे। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट फेमस place in Moscow where all the tourists from all over the world they come and check this place. And what is that building, you know? Museum, okay. So this is a red square or this is a red square? तो ये जो जगह है रेड स्क्वायर है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे म्यूजियम है, ये क्रेमलिन का वॉल है, अंदर क्रेमलिन है और यहाँ पे सेंट बेजिल कैथेड्रल। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ वो टूरिस्टी जगह मॉस्को का जो सब आते हैं, और अच्छा लग रहा है क्योंकि आज फ्राइडे भी है तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, यहाँ के लोकल्स भी हैं, बाहर के टूरिस्ट भी हैं। लिदिया ने मुझे बताया कि जो ये सेंट बेसिल कैथेड्रल है ये बहुत व्हिच ईयर इट वाज मेड डू यू नो इन 15th century तो उस समय की बात है जब ये कैथेड्रल बना था। तो जो यहाँ का राजा था वो आर्किटेक्ट से पूछा कि भाई तूने तो बहुत ज़बरदस्त कैथेड्रल बनाया है, तो फ्यूचर में इससे भी अच्छा बना सकता है क्या? तो उसने बोला कि हाँ इससे भी अच्छा बना दूंगा। जैसे वो बोला उसका आँख निकाल लिया, तो फिर कुछ इस तरह का मतलब ताजमहल वाला स्टोरी है। तो अच्छा है, बहुत सुंदर है, अगर पीछे नीला आसमान रहता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, पर अभी भी अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी आ चुका हूँ मॉस्को रिवर के पास, यहाँ पे मॉस्को रिवर है मेरे नीचे और दूर दूर में काफ़ी सारे लंबे लंबे बिल्डिंग है। तो स्टालिन जब 800 साल हो गया था मॉस्को का, जब मॉस्को 800 साल पुराना हो गया था, तो उसने सोचा कि 8 बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाएंगे। तो लीडर ने वही बताया कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है और उस तरफ दो बिल्डिंग है, एक ये वाला और एक ये वाला, पर ज़्यादा लंबा नहीं है मेरे हिसाब से, पर ये उस समय का टॉल स्काईस्केपर्स बोला जाता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे बोट्स हैं और लोग यहाँ पे बोट राइड ले रहे हैं, तो आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा टूरिस्ट ही है, जो मैं नहीं करना चाहूँगा। आप देख सकते हो और काफ़ी सारे लोग हैं। मैं और लीडिया अभी आ चुके हैं बहुत ही अच्छा वॉक लेते हुए एक म्यूजियम के पास। तो द नेम ऑफ द म्यूजियम इज गेस्टवा, और ये जो है जगह ये एकदम सेंटर ऑफ मॉस्को है, पूरा का पूरा जो आप एरिया देख रहे हो ना, एकदम ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है मॉस्को का, आप अगर देख सकते हो। तो ये है वो म्यूजियम, ये सफ़ेद बिल्डिंग, तो हम लोग अभी इसके अंदर जाने वाले हैं। और यहाँ के मॉस्को का बस का कलर भी देख लो आप, नीला कलर का बस है यहाँ पे। कजान में आपने लाल बस देखा, यहाँ पे अब नीला बस देखा। There's a wardrobe where you can leave your vest. So we have to go up or what? No, we can go down. Leave, huh? The stuff that we can put right now. Mm-hmm. Okay. When the time, sometimes it seems like when the sun hides behind the horizon, mm-hmm. and goes deeper into the water and shines through it. Okay, awesome. So यहाँ पे हम लोग इस जगह पे आए हैं जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, और ये पेंटिंग्स सारे 90s के हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ क्लाउड आर्टिस्ट हैं जो ये पेंटिंग बनाए थे। तो इस म्यूजियम में ये पेंटिंग वाला एरिया है और यहाँ पे सारे आर्टिस्ट का डिटेल्स है जो रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह का जगह है, हालांकि म्यूज़ियम और चीज़ें मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, पर कुछ इस तरह के म्यूज़ियम में अच्छा लगता है। स्पेशली रशिया में हो तो एक दो म्यूज़ियम तो देखना बनता है। तो लीडिया ने वही सजेस्ट किया कि देखना चाहिए, काफ़ी सारे म्यूज़ियम हैं मॉस्को में, पर ये एक इसमें से एक है जो मैं और लीडिया आज आए हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो यहाँ पर बाकी सारे पेंटिंग्स आप देख सकते हो।
अभी हम लोग म्यूजियम के ऊपर वाले जगह पे आ गए हैं और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइट है, सब कुछ यहाँ पे वाइट में बना हुआ है। हम लोग अभी अंदर से यहाँ से आए हैं और पूरा का पूरा ये जगह ही वाइट है। जो कैफेटेरिया है उस तरफ, तो इतना ही सा जगह है और काफ़ी सुंदर है ये एकदम। मेन मेरे को अच्छा लगा कि बहुत ज़्यादा वाइट है, एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगा ये। But we will pass a little bit of Kremlin and the main library of Moscow. See it up close. Okay, let's do that. और अभी जो टाइम हो रहा है 6 बज रहा है अभी, और मॉस्को में जो अभी सनसेट होता है वो 9 बजे होता है, और आज तो सनसेट का कोई चांस नहीं क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एक दो दिन में थोड़ा सा मौसम साफ हो तो यहाँ का सनसेट सुनने में आया कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है, और वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स हो रहा है यहाँ पे, जो मेरी होस्ट ने बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि मौसम खुल जाए एक दो दिन में। और ये मॉस्को की सड़कें, अभी हमें उस तरफ जाना है। अब गाड़ी सब देखो यार, एकदम लग्जरी गाड़ी चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे टेस्ला है यहाँ पे, वाओ। जो आपने कजान में और यकूतिनबर्ग में देखा था, और जो नया वाला है वो एकदम इस तरह का फैंसी है, बहुत सुंदर है। लाइट्स वगैरह जहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह भी होता है, आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पे उतरने वाले हो, तो कुछ इस तरह का है। तो हम लोग अब और एक स्टेशन है, हम लोग ने दो ट्रेन चेंज किया, लाल से अभी ब्राउन वाले में हम लोग, उसके बाद अभी अगले स्टेशन पर बाहर जाएंगे और कुछ खाएंगे। बहुत भूख लग गया हम लोग। ये आ गए हैं मैकडोनल्ड्स में, जो पहले मैकडोनल्ड्स हुआ करता था, अब मैकडोनल्ड्स तो सैंक्शंस के बाद चला गया, मैकडोनल्ड्स KFC। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस नाउ? कुज़नी तोश का नाम का ये जगह है। तो ये पहले मैकडोनल्ड्स हुआ करता था, पर अब यहाँ का रशियन जो लोकल है, मतलब लोकल लोगों ने अभी इसको टेक ओवर कर लिया है, तो कुछ उस तरह का ही सर्व करते हैं। तो मैंने अभी कुछ फ्रेंच फ्राइज और बर्गर ऑर्डर किया है, साथ में हम लोग अभी खाने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है। बहुत ही अजीब है यू नो, क्योंकि यू और द अटेंडर इन द ट्रेन, उसने मेरा पासपोर्ट देखा, फिर मुझे ट्रेन में एंट्री करवाया, फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प किया, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत किए, फिर हमारी दोस्ती हो गई। सुबह सुबह उस दिन जब मैं निकल रहा था तो लीडिया ने अपना नंबर दिया मुझे, फिर मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि हम लोग फिर वापस मिलेंगे, पर हम लोग अभी मिले हैं। नाउ आई सी अ डिफरेंट पर्सन इन एंड आई लाइक द स्पार्कल इन योर आईज, यू नो इट्स लुक गुड। सो व्हाट वी हैव द दिस इज योर्स, दिस इज बार्सिलोना बर्गर। हाँ, मेरा बर्गर यहाँ है, यहाँ पे फ्राइज है, और दिस इज लीडियाज रिकमेंडेशन व्हिच शी लाइक्स, उसको बहुत पसंद है ये कॉफी, कोल्ड कॉफी विद द आइसक्रीम, आई यू टोल्ड मी राइट, इट्स लाइक या आइसक्रीम। ओके, तो मैं पहली बार ट्राई करूंगा। और देखो इन लोगों ने लोगो चेंज कर दिया है, मैकडोनल्ड्स के एम के बदले अभी दो लंबा डैश और डॉट डाल दिया है, बट आई होप कि टेस्ट अच्छा हो, सो लेट्स ईट। तो हम लोगों ने मस्त खा लिया, मेरा तो डिनर भी हो गया, मुझे ऐसा लगता है इतना हैवी था, आई मीन मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा था, पर भूख ज्यादा लगा हुआ इसलिए अच्छा लगा। हाउ डिड यू लाइक इट द फूड? गुड, ओके, एवरेज? वेल या आई एम रियली इनटू द आइसक्रीम, सो आई एंजॉय दैट। आहा, ओके, परफेक्ट। ये जो जैकेट देख रहे हो ये जुलाई के महीने में, और ये इनका समर है। I say it's your summer and I'm wearing jacket. What is this summer? I need to be in my shorts and t-shirt. Well, it's different out here. मतलब imagine अभी आज अभी temperature थोड़ा खराब है, मतलब 14 degree temperature है, पर दो दिन के बाद temperature अच्छा होने वाला है, 25 degree Celsius होने वाला है, तो थोड़ा सा धूप निकलेगा तो थोड़ा मैं t-shirt में आऊँगा। तो अभी मेरे को पानी लेना है यहाँ से। Place is it's like a park dedicated to Russian history of
exploring the space. हाँ, तो हम लोग ये स्पेस पार्क में आए हुए हैं. तो यहाँ पे आप गोला देख सकते हो, यहाँ पे दो गोला है और आगे में आप देख सकते हो ऊपर में एक रॉकेट बना हुआ है और बहुत ही सुंदर सा टावर है. एंड आई थिंक दोज आर द मेन एंड वुमेन हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू रशियन स्पेस. तो यहाँ पे स्टैचूज है, चार पांच है यहाँ पे टोटल. पर अच्छा जगह है, काफी सुंदर सा मतलब जो बनाया हुआ है ना स्ट्रक्चर. भी जब मैं सामने आया हूँ तो समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा है यार, बहुत बड़ा. और मेरे को इसका जो डिज़ाइन है ना सामने से समझ में नहीं आ रहा था. जब मैं यहाँ पे पास में आया तो मतलब देखो आपकी कैसे शेप है इसका. अभी थोड़ा बहुत नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है पर मानना पड़ेगा यार क्या डिज़ाइन है, अमेजिंग लग रहा है. नीचे से लग रहा है कोई स्पेस शिप है एकदम, लाके यहाँ पर खड़ा कर दिया है. ऊपर में रॉकेट बना हुआ है, बहुत सुंदर सा ये जगह है. तो अगर आप मॉस्को में हो तो आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा मेरे को तो ये जगह. रशिया का ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वीकेंड्स में कोई भी अच्छा जगह जहाँ पे लोग जमा होते हैं वहाँ पे इस तरह का कॉन्सर्ट रहता है, लोग फ्री में इंजॉय करते हैं. तो कुछ इस तरह का लोग इंजॉय कर रहे हैं. तो ये है वो पार्क जहाँ पे हम लोग तब से आने की कोशिश कर रहे थे. तो रास्ते में एक कॉन्सर्ट छोटा सा आपने देखा, हम लोग वो इन्जॉय कर रहे थे. और अभी ये आप पार्क का एंट्रेंस गेट देखो यार, कितना बड़ा है भाई. और ऊपर में दो लोग हैं जो गेहूं का एक बड़ा सा वो गुच्छा लेके खड़े हैं, बहुत सुंदर है यार. और ओ यू हैव वन मोर स्टैचू इनसाइड, आई मीन द टावर. वाओ, पार्क नहीं है भाई क्या है? मतलब हम, मैंने तो ये सब पार्क कभी नहीं देखा था यार. दिस इज लाइक द बेस्ट पार्क आई वुड से, यू नो, टू स्पेशली द वे दे हैव मेड दिस गेट विद सो मेनी डिटेल्स एंड वर्क विच इज सो ब्यूटिफुल. क्या पार्क है यार, दोनों तरफ फुआरा है, लोग काफी सारे हैं. और सामने एक और छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा सा ये टावर है. और व्हाट इज़ दिस प्लेस, आई मीन इज दैट अ म्यूजियम और समथिंग? हाँ, तो ये म्यूजियम है तो बहुत सुंदर लग रहा है. बाय द वे लीडिया जो है ऑलमोस्ट 40-50% शेनिगन कंट्रीज मतलब सेंट्रल यूरोप घूम चुकी है. सो यू हैव बीन टू द सेंट्रल यूरोप व्हाट आई एम सेइंग एंड योर फेवरेट इज नेदरलैंड्स. एंड बाय द वे लीडिया तो इंग्लिश बोलती है, उसके बाद फ्रेंच भी आता है, बोंजूर, और स्पेनिश भी आता है. यू स्पीक स्पेनिश ऑल्सो, यू आर सुपर टैलेंटेड, यू नो, एट द एज ऑफ 19, ट्रस्ट मी, यू आर टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, नो लैंग्वेजेस, इंस्पायरिंग. सो या, कीप इट अप. तो अभी आपने जो फाउंटेन देखा वो फाउंटेन ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ नेशंस है. एक्चुअली जिस जगह पे मैं हूँ अभी फ़िलहाल ये दर्शाता है कि जो पहले यूएसएसआर के टाइम में जो सोवियत कंट्रीज़ थे, मतलब वो फिर एक सोवियत हो गए. तो यहाँ पे जितने भी एक सोवियत कंट्रीज को डेलीगेट करने के लिए यहाँ पे सबके लिए बिल्डिंग्स है. वहाँ आर्मेनिया है, इधर उज्बेकिस्तान है, इधर कजाकिस्तान है, आई एम श्योर वो तुर्कमेनिस्तान होगा वो, और बाकी आर्मेनिया, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान और उधर रशिया. तो इतने सारे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जगह. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दिस, आई थिंक दिस इज द प्रीटीएस्ट गिफ्ट आई वुड टेक फ्रॉम मॉस्को एंड फ्रॉम यू. एंड अभी समय भी आ चुका है अलविदा कहने का, एंड इनफैक्ट 10वीं आलिया कहने का लीडिया को. एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे एंड आई रियली एंजॉयड द टाइम विथ यू, एंड आई एम हैप्पी दैट यू मेड टाइम फॉर मी एज वेल ऑन योर ऑफ डे, एंड यू नो शोड मी प्लेसेस एंड वी हैंग आउट एंड वी एट
it was a nice day, and I am looking forward to see you again in future. Hope to meet you again. And all the best for everything you are trying to achieve in life. Oh, thank you. Yeah. Good luck in your future. Thank you so much. I'll see you soon, somewhere in life again. Yeah, and you are welcome to India. Oh, thank you. Come soon. India is waiting for you.